बच्चों, आज हम लोग कहानी सुनेंगे कोयल का गीत। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक काला कोयल था। वह मीठे गीत गाता था, खासकर अलग-अलग ऋतुओं के बारे में। वैशाख के महीने में कोयल बीमार पड़ गया। अब वह गा नहीं पा रहा था। उसे बहुत दुख हुआ। गर्मियां आ गई। जेठ के महीने में आम और कटहल पककर तैयार थे। कोयल उनके रसीलेपन के गीत गाना चाहता था। वह डाल डाल उड़ता और गाने की कोशिश करता, मगर उसके गले से आवाज नहीं निकली। सेमल के पेड़ ने उदास कोयल को देखा। पेड़ ने कहा, अभी मौसम बहुत गर्म है, जरूर इस वजह से तुम गा नहीं पा रहे हो। बस बारिश का इंतजार करो, जब बारिश आएगी तो बूंदों की मधुर टिप टिप से तुम्हारे गाने में मदद मिलेगी। सावन आया। आषाढ़ और श्रावण के महीनों में बारिश की चादर ने धरती को लपेट लिया। नदियां, नहरें, झीलें और खेत सब पानी से भर गए। कदम के पेड़ पर फूलों के पीले गुच्छे खिल उठे। अपनी आवाज की खोज में कोयल एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उड़ता रहा। फिर भी उसे उसकी खोई आवाज कहीं नहीं मिली। शरद ऋतु में बारिशें बंद हो गईं। भाद्र और आश्विन के महीने आ गए। सफेद कांस के फूल खिले। जल्द ही जमीन उनकी पंखुड़ियों से में ढक गई। पके हुए फल ताड़ के पेड़ों से लटके थे। कोयल ने उनकी सुंदरता के गीत गाने की कोशिश की। उसकी कोशिश असफल रही। कार्तिक और अगहन के महीनों में पतझड़ आई। किसानों ने नए चावलों की कटाई की। अच्छी फसल होने की खुशी में मनाए जाने वाले त्योहार पर भी कोयल नहीं गा पाई। वह एकदम निराश हो चुका था। पौष और माघ के महीनों में सर्दी आई। कड़कड़ाती ठंड पड़ी। लोगों ने धूप सेक कर आराम पाया। औरतों ने खजूर के पेड़ के रस से गुड़ बनाया। उन्होंने मीठे पकवान भी बनाए। खेत में सरसों के फूलों में उज्जवल थे। साल भर खत्म होने वाला था, लेकिन कोयल अब तक गा नहीं पा रही थी। वह रोने लगा। क्या उसके गीत हमेशा के लिए खो गए हैं? साल के अंत में बसंत आई। फाल्गुन और चैत्र के महीनों में पेड़ों पर नए पत्ते उगने लगे। आम के पेड़ों पर नई कलियां उग आईं। मधुमक्खियों ने गुनगुनाना शुरू कर दिया। कोयल के कानों में मधुमक्खियां भिनभिनाईं। कोयल ने फिर से गाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मधुमक्खियों ने गाना बंद नहीं किया, वे गुनगुनाती रही। इसलिए कोयल भी गाने की कोशिश करता रहा। अंत में उसके गले से एक धीमी सी आवाज निकली, कू। आखिरकार कोयल ने एक मधुर गीत गाया। साल भर की उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। अब कोयल बसंत के पक्षी के रूप में जाना जाता है और उसके सुरीले गीतों से बसंत ऋतु का आगमन होता है। तो बच्चों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी?
अच्छा बच्चों, आप लोग बताओ कोयल कैसे गाना गाती है? हाँ, सही बताया, कू कू। और आप लोग कोयल देखे हो? अच्छा ये बताओ, कोयल की आंखें कैसी होती है? लाल रंग की। सब लोगों ने कोयल देखा है?